नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साईं बाबा ने दे दिए संकेत, अब अगले 5 दिनों के अंदर आपके कुंडली में बड़ा चमत्कार होगा। भगवान साईं राम के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली है जिनसे दोस्तों आपका समय बदल जाएगा। अब आपको हर क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। भगवान साईं राम के आशीर्वाद से आपके घर से जुड़े सभी प्रकार के कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे और साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में भी नई उन्नति आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी बहुत आपका मान सम्मान करेंगे। इज्जत पर प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी आपके होने वाली है। घरों की यह चाल आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप खुशी से झूमने वाले हैं। ये दोस्तों भगवान साईं राम के आशीर्वाद से यह शोभित समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। परंतु दोस्तों, यह समय आपको कुछ कार्यों को करने से बचने की आवश्यकता होगी, वरना दोस्तों आपके सभी कार्यों में पानी फिर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। घरों की ये बदलती चाल और साईं राम के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक में क्या क्या चमत्कार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम साईं राम लिखेगा, गुरु जी का और भगवान साईं राम का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह समय आपने अपनी दिनचर्या से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई है उन्हें किसी के साथ भी शेयर ना करें तथा चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने से आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगा। दोस्तों, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख से संबंधित कार्य करने के लिए जो समय है बहुत ही अनुकूल समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में अगर आप निवेश संबंधी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखें कि उसमें कुछ गलतियां होने की आशंका बन रही है। बिना किसी कारण के मन में कुछ अशांति जैसा महसूस हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में समय व्यतीत करना आपको सकारात्मक बनाएगा, तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत होगी। अपने विचारों को वास्तविकता में रूप देने का प्रयास आपका इसमें सफल रहेगा। इसके लिए आपको मित्र परिवार द्वारा पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा और परिवार के लोगों द्वारा पैसे से संबंधित मदद भी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें परिवार के करीबी व्यक्ति द्वारा योग मार्गदर्शन मिलने की वजह से बड़ी समस्या का समाधान भी इसमें आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता मिलने की उत्तम संभावनाएं बन रही है। इसलिए दोस्तों, अपने लक्ष्यों के प्रति पूरा ध्यान लगाएं, बाहरी संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें। दोस्तों, ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। कभी कभी बहुत अधिक जल्दबाजी और जिद करना नुकसानदेह हो सकता है। परिवार तथा रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों, यश में किसी प्रकार का मतभेद होने की आशंका लग रही है। खर्च करते समय आप अपने बजट पर गंभीरता से विचार भी करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए यश में आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, आप पर बना हुआ तनाव कम होने भी लगेगा। फिर भी दोस्तों, अपने प्रयत्नों को आप जारी रखें। आपकी लापरवाही आपके लिए नई समस्या खड़ी कर सकती है, तो दोस्तों यश में इनका ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों, आपको बता दें कि काम करते समय किसी से बातचीत करते समय पूरी तरह जागरूक रहने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अपने आत्मविश्वास तथा वाक्पटुता से नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाने में आप यश में सक्षम रहेंगे। इसमें दोस्तों, नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाने पर दो आप सक्षम रहेंगे। साथ ही दोस्तों, समाज में आपका मान सम्मान और वर्चस्व भी बना रहेगा। किसी सरकारी रिटायर्ड व्यक्ति से आपको सहयोग और फिर उचित सलाह भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, कभी कभी
आपकी विचलित मनस्थिति आपको निर्णय लेने में कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकती है। हालांकि दोस्तों आप इस पर काबू भी पा लेंगे। किसी भी प्रकार की धन संबंधी उधारी या फिर लेन देन ना करें। विद्यार्थी लापरवाही की वजह से हाथ में आई हुई उपलब्धि को भी खो सकते हैं। तो दोस्तों यश में आपको जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको मिल रहे मौके का पूरा फायदा उठाने का समय होगा और यश में अगर आप प्रयास करेंगे तो मौका का फायदा भी उठा पाएंगे। आपको अपनी क्षमता का अंदाजा आने की वजह से आपका आत्मविश्वास तो बनेगा ही दोस्तों, लेकिन ईगो भी बढ़ सकता है। दोस्तों इस बात का ख्याल रखना होगा कि दिन की शुरुआत से मानसिक संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि दोस्तों कर्म करने से भाग्य को अपने आप बल मिलता है। तो दोस्तों इस बात पर यश में आपको गौर करना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका यश में योगदान रहेगा तथा आप एक विशेष मुकाम भी यश में हासिल करेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का आपको अवसर भी यश में प्राप्त हो सकता है। घर में भी किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। दूसरों के साथ बहुत अधिक अधिकारपूर्ण व्यवहार ना करें। बच्चों को अपने करियर को लेकर कुछ तनाव बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आप अपने काम से फिर से भटक सकते हैं या फिर से आप भटक रहे हैं। तो दोस्तों इस बात पर आपको यश में गौर करना चाहिए कि कौन सा आपका काम यश में छूट रहा है। किसी एक बात पर पूरी तरह से ध्यान देकर ही उससे संबंधित कार्य करते रहने की आपको आवश्यकता होगी। छोटे मोटे तनाव के कारण भी आपका मन यश में जल्दी जो है भटक रहा है। ध्यान और प्राणायाम द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर पाना और काम के प्रति ध्यान दे पाना आपके लिए संभव होगा। तो दोस्तों यश में इन पर अवश्य ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पब्लिक डीलिंग, मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय इसमें सफल रहेंगे। मेहनत की अधिकता बनी रहेगी। नौकरी में कोई ऑफिशियल यात्रा संबंधी ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। यश में आपको अपने टारगेट को पाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी। साथ ही दोस्तों काम से संबंधित कठिन बातें पूरी तरह होने की वजह से आपको इसमें समाधान भी प्राप्त होगा, लेकिन काम से ध्यान भी आपका कम हो रहा है। तो दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मनोरंजन तथा ग्लैमर से संबंधित व्यवसाय में उन्नति होगी। कारोबारी महिलाएं विशेष रूप से सफल रहेंगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। सरकारी शहरात व्यक्तियों का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रभाव बना रहेगा। साथ ही दोस्तों यश समय मेंटल से संबंधित व्यापार में अपनी क्षमता से अधिक काम ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपका जो कार्य प्रणाली है उनमें कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत होगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों अपने राजनीतिक संपर्कों को भी और अधिक मजबूत बनाएं। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने उचित कार्य की वजह से सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में लाभदायक परिस्थितियां बन रही है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को यश में स्थगित रखें। कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार कुछ नर्म रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। कुछ विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें यश में आपके जीवन में बड़ी सफलता भी आपको मिलने वाली है, बशर्ते आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जीवन साथी और फिर परिवार के साथ मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा तथा पारिवारिक वातावरण भी यश में खुशहाल बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपसी सामंजस्य द्वारा घर का वातावरण यश में उचित बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण रहेंगे। घर का माहौल भी अनुशासित तथा मर्यादित बना रहेगा, जिससे दोस्तों आपको आत्मिक खुशी की प्राप्ति भी होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक तो रहेगा ही, साथ ही प्रेम संबंध की जो परेशानी है यश में दूर होगी। इसलिए दोस्तों यश में आपको उनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी।
इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में गिरने या फिर चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होने की वजह से आपको इनसे अपने खान पान को लेकर सीमित रखना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी आपको इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगी। तो दोस्तों इसमें अपने खान पान को लेकर आप सावधान रहें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप सावधानी को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु कफ प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं वर्तमान नकारात्मक प्रवृत्तियों से अपना बचाव करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। आपको बता दें कि यश में खान पान की आदत सुधारें, मुंह में छाले या फिर किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर आप सावधान रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।